रियाद सऊदी अरब में आज एक ऐसी जगह आप लोगों को दिखाऊंगा कि शायद आप लोगों की एकदम नई बस्ती है यार, और एकदम मस्त एरिया है ये, आउट एरिया है एकदम, अभी नई बस्ती और बस रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मकान बन रहे हैं भाई रियाज यार, मस्त। और सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भाई रोड गया हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा रोड गया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि आप गाड़ी जा रही है भाई, क्योंकि बहुत दूर है यार, मैं काफ़ी जूम कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम नई बस्ती बस रही है यहाँ पे। और मेरी गाड़ी आप लोगों को बताया भाई कि वो खड़ी है जहाँ पे वो लाइट। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ रियाद सऊदी अरब से। तो दोस्तों आज एक रियाद सऊदी अरब में आज एक ऐसी जगह आप लोगों को दिखाऊंगा कि शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एकदम नई बस्ती है यार, और एकदम मस्त एरिया है। और भाई रियाद सऊदी अरब में अभी यार एकदम सूरज डूब चुका है, और बहुत मस्त यार जगह है। तो आप लोगों को बताया कि भाई एकदम मस्त जगह पे लेके आए हैं रियाद सऊदी अरब में, अगर आप लोगों ने ऐसी जगह देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दरअसल यहाँ पे सब आप जितने सऊदी हैं भाई, नेशनल है तो बीत चुका है, लेकिन दरअसल तब भी यहाँ पे जितने भी सऊदी हैं वो जो है अभी पार्टी कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाऊँगा, थोड़ा चैनल पर बने रहिए। तो ये जगह है वो एकदम पहाड़ी एरिया, और यहाँ पर भाई कितने टापू पे सब लोग बैठ बैठ के यहाँ पे जो है पार्टी मना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो बीच बीच में गाड़ी खड़ी हुई है, ये सब जो है पार्टी मना रहे हैं अपने फैमिली के साथ में बैठ के, और वैसे भी चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं। और यार एकदम ये आउट एरिया है, एकदम अभी नई बस्ती है और बस रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मकान बन रहे हैं भाई। रियाद सऊदी अरब में एक ऐसी ऐसी जगह है कि भाई देखने में जो है दिल खुश हो जाता है, आप लोग समझ रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों को दोस्तों बैक कैमरा से हम दिखाते हैं आपको। तो दरअसल ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों डायरी है, दरअसल हम यहाँ से गुजर रहा था तो इधर हमको पूरा एकदम सन्नाटा दिखा, तो मैं सोचा कि देखते हैं एक बार कि यहाँ पर कैसी जगह है और कैसी एरिया है। तो ओके दोस्तों, हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताई हुई है दोस्तों। ये वाइट वाली जो बीच में खड़ी है, जो लाइट जली हुई है, ये नहीं उसके बगल में, तो अच्छा लगे तो बताना ज़रूर आपको बैक कैमरा। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं भाई, पूरा ये पहाड़ी है, आप लोग समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक भाई घर वगैरह नहीं है, ये तो अभी नया बस्ती बस रहा है, कोई कोई बनाया हुआ है, कोई कोई नहीं। और रोड के नीचे देख रहे हो कि वो एकदम पहाड़ों के बीच में वहाँ पे गया हुआ है रास्ता, आप लोग खुद देख सकते हैं। यार वाह, क्या यार नज़ारा है, यहाँ से अगर नीचे गए तो समझ लो ऊपर गए। तो यहाँ के नज़ारे दोस्तों कैसा लग रहा है यार हमको देखने में, यहाँ तो अगर दो लोग रहो तो यार मस्त। और सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भाई रोड गया हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा रोड गया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि आप गाड़ी जा रही है भाई, क्योंकि बहुत दूर है यार, मैं काफ़ी जूम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये दिखाई दे रहा है। और भाई ये साइड में आप लोग देख सकते हैं भाई, ये भी यहाँ पे सब दूर दूर तक जो गाड़ी लेके, गाड़ी में साथ में आप देख सकते हैं कि जो बैठे हुए हैं, ये सब अपने फैमिली के साथ में जो है पार्टी मना रहे हैं। और काफ़ी दूर दूर तक भाई घर नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा अपने फैमिली लेके बैठा हुआ है। और यहाँ के नज़ारे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं दोस्तों, ये बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को बताया कि भाई जो सामने एरिया दिख रही है, अभी एकदम नई बस्ती बस रही है यहाँ पे। और मेरी गाड़ी आप लोगों को बताया भाई कि वो खड़ी है जहाँ पर वो लाइट जल रही है, पहले नहीं दूसरी गाड़ी, जो गाड़ी रिवर्स हो रही है उसके बगल वाली जो लाइट पड़ रही है, वो गाड़ी मेरी खड़ी है। और यहाँ पे पूरा घर और अभी जो है पूरा नया बन रहा है भाई। तो यहाँ पे भाई एकदम टापू का आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर आप लोग। और यहाँ पे भाई कितनी गहराई है आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक बार पैर फिसला तो सीधा कितनी नदी जाएंगे नीचे, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अब यहाँ पे काफ़ी रात हो रही है यार, हम चलेंगे
आप देख रहे हो कि सूरज डूब रहा है, क्योंकि हम फिर रूम पे चले जाएंगे। ये यहाँ पे अभी सलाह हो रही है, 7 बज गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ के नज़ारे कैसे लगे? भाई रियाद सऊदी अरब में आप लोगों को बताया कि एकदम पहाड़ी, एकदम खंजर, एकदम टापू में लेके आया था आज, क्योंकि ऐसी यार जगह देखने को बहुत कम मिलती है। और ये हमारे रूम से काफ़ी दूर है। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, जो सिग्नल है, सिग्नल पर मैं खड़ा हुआ तो थोड़ा हमको यहाँ का नज़ारा कुछ दिखा, मैं सोचा कि चलते हैं। तो आप लोगों को भाई एकदम मस्त नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई का सपोर्ट ज़रूर किया करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भाई रियाद सऊदी अरब के कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछो, हम ज़रूर बताएंगे। चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी आप जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएँगे। क्योंकि भाई रियाद सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की लाइफ कैसे होती आप लोग समझ सकते हैं कि भाई नेशनल डे किसका किसका कैसे बीता है। 8/24 में देश आज़ाद हुआ था, तो किसका जो है सो के बीता, किसका जो है ड्यूटी करके बीता, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके दोस्तों, हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं और सीधा चलते हैं भाई अब रूम पे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई घर वगैरह भी आदमी वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो रुकना हमको अच्छा नहीं है, आप लोग समझते हैं। क्योंकि आप इतनी देर हो गया कि कोई दिखा नहीं आप लोगों को, इसके वजह से वीडियो यहीं पर रोकते हैं। और ऐसी ही वीडियो अगर देखना है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।